नमस्कार आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में आज का ये केस सिर्फ एक आपराधिक घटना को बयान नहीं करता है, बल्कि एक समाज, एक सिस्टम के तौर पर हमारे इर्द गिर्द पनप रहे पाखंड को भी उजागर करता है। इस केस के कई पहलुओं पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमान और जाने माने रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूँ साहिल जोशी। टाइम पेट्रोल सतर्क में आज फिर मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा अनदेखा अनसुना केस जो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। आज जिस अपराध की कहानी की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उस अपराध की जड़ें इस कहानी में नहीं मिलेंगी, बल्कि इस अपराध की जड़ें उस वायरस से जुड़ी है जो आज से नहीं बल्कि सदियों से हमारे अंदर और हमारे समाज के अंदर पल रहा है। आधुनिकता के इस दौर में पहुंचकर भी हम इस वायरस की वैक्सीन या इस वायरस का इलाज ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आज की ये कहानी सिर्फ हमारे समाज पर नहीं तो हमारी कानून व्यवस्था पर भी एक तमाचा है। अरे जल्दी जल्दी चलो ना आप। अरे गुंजा समझा कर, हम ऐसी हालत में नहीं चल सकते तेज। देखो ना कितना अंधेरा हो गया और ऊपर से आज हम लाठी लेके भी नहीं आए। अगर जंगली कुत्ते आ गए ना तो वो नोच डालेंगे हमें। हर घर में शौचालय हो, स्वच्छता अभियान के जरिए सरकार ये बात लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ स्वच्छता से नहीं जुड़ा है बल्कि इसका एक सिरा औरतों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। रेप केसेस के आंकड़े बताते हैं कि गांव खेड़ों में कई महिलाओं को तब अपना शिकार बनाया जाता है जब वो शौच के लिए बाहर निकलती हैं। दिन चढ़ने से पहले या सूरज ढलने के बाद अंधेरे की आड़ में अपने शिकार पर घात लगाए बैठे ये दरिंदे मासूम जिंदगियों पर बेरहमी से झपट पड़ते हैं। ये केस भी ऐसी ही एक वारदात बयां कर रहा था। ए शंकर, उतर भी पानी डाल, चल। D-5। गोपाल सर, हमारा जवाब सही है ना? बिल्कुल सही है गुंजा। कैलकुलेटर गलत हो सकता है लेकिन तुम नहीं। 10वीं कक्षा में हो और 12वीं के सवाल इतनी आसानी से हल कर देती हो। शाबाश बेटा, ये सर हमारा जवाब सही है। रानी, जिस दिन तुम सही जवाब दे दोगी ना उस दिन पूरे गांव में पेड़े बांटेंगे हम। क्या करें सर, सवाल ही इतना मुश्किल था, पता नहीं 12वीं कब हम पास करेंगे। 12। अरे सवाल का जवाब है 12। कुछ सीखो गुंजा से, समझी? और तुम्हारी सहेली कोमल क्यों नहीं आई आज? वो उसके पेट में दर्द है। हम सर हमें लेट हो रहा है, जाना होगा वरना अमर भैया गुस्सा हो जाएंगे। सर हम भी जाते हैं। ठीक है बेटा। सुभाष। अरे आराम से रानी जी, इतना भी क्या डरती हो अपने अमर भैया से? जैसे कि तुम नहीं डरती ना अपने बाबा के गुस्से से। हम नहीं डरते, बाबा हमसे बात ही कहाँ करते। अरे ये नट फिर गिर गया आज, क्या करें इसका। आओ, आ, क्या हुआ? अरे लग गया। आप भी ना चक्कर ठीक करने के चक्कर में बार बार चोट लगा लेते, एक बार ठीक से मरम्मत काहे नहीं करवा लेते ठेला का। अब कल किशोरी काका को देके आएंगे सुबह, वही ठीक करेंगे इसको। ये लो पापा, सही हो गया। जो पुराना चेयर नहीं था जो टूट गया था उसका नेट बोल्ट एकदम अच्छे से फिट हो गया। और पापा ये सारा सामान एक तरफ मत रखा करो, बराबर से रखा करो, तो ये चक्के पे ना ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और नेट भी नहीं निकलेगा फिर तो। चलते हैं। मम्मी, ये पापा हमसे बात काहे नहीं करते हैं? गुंजा बेटा, पापा तुम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं, बस जताते नहीं है। और आज आने में इतना लेट कैसे हो गया? वो हम गोपाल सर के पास गए थे अपना पेपर चेक कराने के लिए। अरे तो हमसे पूछ लेती, हमको पता है तुमको गणित में 100 में से 100 अंक मिलेंगे। हाँ तेरी कोमल दीदी का पता नहीं, वो बस फेल ना हो इतना ही बहुत। वैसे है कहाँ पे वो? अपने कमरे में पेट दबाए लेटी है सुबह से। कोमल दीदी, डरा दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये किसी ने नया नुस्खा बताया क्या कि लिपस्टिक लगाने से पेट दर्द चला जाता है? चुप कर और अम्मा को मत बोल देना। आज तक बताए हैं क्या कभी?
लेकिन ऐसे पढ़ाई डालती रहोगी ना तो परीक्षा में अंडे मिलेंगे जो भी उबले हुए। अब हमको तुम्हारी तरह पायलट तो बनना नहीं है कोई पढ़ लिख के, हम तो किसी राजकुमार की दुल्हन बनेंगे। ला 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 ला। अब तबीयत कैसा है तुम्हारा? मुंह तो देखो कैसा लाल हो पड़ा है। गुंजा तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, हम पानी लेकर आते हैं। अरे नहीं माँ, हम ले आएंगे और रानी दीदी को भी साथ में लेके जाएंगे, हम भी चलेंगे। अरे तुम ठीक भी हो गई? आपके हाथ का काढ़ा पिए थे माँ, ठीक तो होना ही था। अब हम जाएंगे। कोमल चलो गुंजा। पता है कोमल दीदी, गोपाल सर रानी दीदी से कह रहे थे कि अगर वो इस साल पास हो गई ना तो पूरे गांव में पेड़े बांटेंगे। चुप कर गुंजा, बहुत मारूंगी तुझे। ना ये पास होगी ना गोपाल सर पेड़े बांटेंगे। भैया जी कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, चलिए ना चाट खाते हैं। अरे यहाँ नहीं खाएंगे भैया, वो आगे पांडे चाट करना रहना, वहाँ खाएंगे। चलिए देख के चाची के ले ले लीजिए। अच्छा हाँ, ब्यूटीफुल साड़ी है, ले जाइए ले जाइए। अरे अरे ऐसा मत करिए भैया, ब्रजेश भैया देखिए हम लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। आप भूखे मर जाएंगे जी? अरे कहाँ वो प्रदीप भैया, देखिए ना ब्रजेश भैया तो कन्या हटाने को कह रहे हैं। अरे ऐसे कैसे आप? मोबाइल वाई बंद करो, पापा आ गए। अरे सारा छोला ऐसा कैसा है और बाकी सामान भी ऐसा कैसा है, आज बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुआ क्या? आते सवाल शुरू कर दी ना, ये सब सामान उतार कर रखो और खाना लगाओ, हम हाथ मुंह धो के आते हैं। माँ हमको खेत जाना पड़ेगा इस वक्त। नहीं कल सुबह चलेंगे। माँ हमसे नहीं रुका जाएगा, हमको अब भी जाना पड़ेगा, खाना परोसना है। माँ समझो आई। माँ हम चले जाते दीदी के साथ, आप परेशान मत हो। ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना। चल कुंजा। समझा कर गुंजा, ऐसी हालत में हम जल्दी नहीं चल सकते। अरे देखो ना कितना अंधेरा हो गया और ऊपर से आज हम लाठी लेके भी नहीं आए, अगर जंगली कुत्ते आ गए ना तो वो नोच डालेंगे हमें। क्या सारा पानी हम पे डाल दोगी? आप डरा दी काफी हमको। हमने डरा दिया, ध्यान से चला करो। अरे अरे फोन की बैटरी को भी अभी खत्म होना था, अब क्या करें? पास में ही है, जल्दी चलते यहाँ से। हाँ। लेकिन लोटे का पानी तो गिर गया, आगे कहीं से भर लेंगे, अभी चलो। दीदी कुएं से पानी भर लेते हैं। नहीं नहीं ये बड़े लोग का कुआं है। अरे तो क्या हुआ दीदी, बड़े लोगों का दिल भी बहुत बड़ा होता है और हमें सिर्फ एक ही लोटा पानी तो चाहिए। ले ले जल्दी ले। सुनिए ना उनका फोन बंद आ रहा है, हमारा जी बहुत घबरा रहा है, एक घंटा हो गया। अरे कहाँ जाएंगे, आती होंगी, होंगी रास्ते में, आ जाएंगे, ऐसा मत लो। जरा देखाइए ना लाठी ले जाना भी भूल गई है। गुंजा ए कोमल, ए भैया गुंजा कोमल कहीं देखे हैं क्या? ए प्रदीप कोमल गुंजा को देखे हो क्या? क्या हुआ कोमल गुंजा को? अरे डेढ़ घंटे से ज्यादा हो गया खेत गई, अब तक लौटी नहीं है। लौटी नहीं? मेरा मकान दिया, हमको मालूम है कौन गायब किया होगा कोमल गुंजा को। कौन? तो क्या क्या कर रहा है? ब्रिजेश भैया हमारे किए का सजा हमारे बच्चों को काहे दे रहे, छोड़ दीजिए बच्चों को। क्या कह रहे तू निकल, हाथ में चाड़ी पी क्या है का? अरे हम कहे अगवा कर तुम्हारी बेटी को? ऐसा मत बोलिए ब्रिजेश भैया, दो घंटा हो गया लड़के वापस नहीं आई, उनके अम्मा का रो रो के बुरा हाल है भैया। बुरा हाल हो गया तो हम क्या करें, जाके ढूंढो किसी के साथ भाग गई होंगी। तुम निकले तो कौन सा नया बात है ये सब? ब्रिजेश मुंह संभाल के बात कर और सीधे सीधे कह रहे हैं हमारी बेटी को बाहर भेज। नहीं बताएंगे क्या कर लेगा?
क्या कर लेगा भैया? देखिए धक्का मत, क्या कर लेगा तू? बताए क्या कर लेंगे? आप बताओ, बताए क्या कर लेंगे तुम? क्या पुलिस वाले पे हाथ उठाया तेरी तो ठीक नहीं कर रहे आप, छोड़िए हटिए। हेलो प्रणाम साहब, हम कन्हैया बोल रहे हैं। क्या रे, क्या गुंडा ये? एक पुलिस वाले के घर पे आके उसको पीटोगे? मतलब जानते हो इसका? इसने हमारी बेटी को अगवा किया साहब, अंदर छुपा के रखे साहब, पूछो इसको। एक मिनट, अभी हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अंदर जाके चेक करो कौन लड़की है, जो भी अंदर हो उसको बाहर लेके आओ। साहब अंदर तो कोई नहीं है, अच्छे से देख लिए। यहाँ तो कोई नहीं मिला, अब तुम हमारे साथ थाने चलो, तुम्हारी दबंगई निकाल। चल साहब, चल सारा इसको अंदर, सारा कुछ नहीं किया, सारा को मारेगा। ए बाहर निकल, आज के बाद अगर किसी पुलिस वाला को छुआ ना तो याद रखना जिंदगी भर के लिए अंदर चढ़ा देंगे। कोमल और गुंजा आई का? साहब, साहब हमारी बच्चे को ढूंढ दीजिए, आप जो कहेंगे हम देंगे, अपना ठेला तक भेज देंगे साहब। हवलदार को भेजे हैं खोजने के लिए, आने दो तो बता दो। तुम रुक लो, मैं आता हूं। अरे रुक जा, अरे आपने तो बड़ा टाइम लगा दिया, आपका थोड़ा बासी हो रहा है। भैया रमाकांत, वो पेड़ के पास गुंजार को अमर, चलिए। गुंजा की लाश लगभग 33 घंटे बाद मिली और इन 33 घंटों में जिस बर्बरता से उनके शरीर को रौंदा गया था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना अभी और भयानक मोड़ लेने वाली थी। ये तो आत्महत्या का मामला लग रहा है। ब्रजेश उतरवाओ लाश। साहब साहब हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है साहब। पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ आराम से, जब तक हमारा बेटे को इंसाफ नहीं मिलता साहब हम लाश नहीं उतारने देंगे। कैसा बेवकूफ वाला बात कर रहे हो? अरे लाश को उतारेंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, रिपोर्ट मंगाएंगे, तब ना इंसाफ दिलाएंगे। स्ट्रेचर मंगाओ। लाश को डालो एम्बुलेंस में। चलो हम नहीं जाने। इसी पेड़ की छाव में उन दो बहनों ने अपना बचपन गुजारा। ये सुसाइड का मामला है लेकिन लड़कियों के माँ बाप उसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। उल्टा उनका आरोप है कि इस जुर्म के पीछे कानून के ही रक्षक शामिल है। बिहार के टिहरी गांव में जब भी लड़कियां और औरतें रात को किसी काम से बाहर निकलती है तब जंगली कुत्तों से बचने के लिए अपने हाथ में लाठी जरूर रखती है, लेकिन हमें पता चला है कि उस रात को वो दोनों बहनें खाली हाथ निकली थी। वो जंगली कुत्तों से तो बच निकली लेकिन जैसे लड़कियों के माँ बाप कह रहे हैं, क्या उनका ये हश्र इंसान के भेष में किसी भेड़िए ने किया है या फिर पुलिस का जो दावा है वो सच है? सच चाहे जो भी हो वो सामने आते आते हड़कंप जरूर मचाने वाला है। आ गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या बोले थे हम? आत्महत्या है, इसमें भी यही लिखा है। और सुनो, तुम्हारी बड़ी बेटी चरित्रहीन थी, लिखा है इसमें कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी। माने जानते हो? मतलब शादी से पहले सुहागरात। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? क्या बोल रहे हैं आप? मकान भी एकदम सही बोल रहे हैं, ये दोनों लड़कियां एक साथ अचानक खुदकुशी क्यों करेंगी भला? ये सब रिपोर्ट गलत है। सब साला रातों रात पत्रकार बन गए उगारे, हमसे सवाल करोगे?
तुम लोग जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, चुपचाप दोनों बॉडी को उठाओ और जाके अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो जब तक हमारी बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता हम लाश नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्या ये हत्या का केस था या फिर आत्महत्या का। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। वीडियो वायरल होने की वजह से ये केस राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में तूल पकड़ रहा था। जन आक्रोश और केस की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ये केस तुरंत इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हैंडओवर कर दिया गया। सर, सब इंस्पेक्टर दिनकर। दिनकर, इस केस से रिलेटेड जितने भी पेपर है टेबल पर चाहिए मुझे, 5 मिनट में। सर, दिनकर आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, ये सोसाइटी था या फिर रेप और मर्डर? सर 100% सुसाइड है, देखिए ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तो ये लिखा है। एक बात बताओ दिनकर मुझे, अगर ये सोसाइटी है तो फिर कोमल और गुंजा के कपड़ों पर खून क्यों लगा था? सर खून के धब्बे इसलिए थे क्योंकि दोनों विक्टिम्स का महीना चल रहा था। दोनों बहनों का एक साथ? आर यू श्योर डॉक्टर? जी बिल्कुल। रमाकांत संभालो। सर ये करें, यही कोई 8-8 बजे निकली थी साहब दोनों बाहर। आपको किसी पर शक है? हम तो पहले दिन से कह रहे थे साहब कि हवलदार ब्रजेश और उसका छोटा भाई कन्हैया वही सब मिलकर किया है साहब। रमाकांत जी आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि साहब उसी दिन दोपहर में बाजार में ब्रजेश के साथ हमारा कहां सुनी हुआ था साहब। अरे 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 क्या कर रहे हो साहब? उसी शाम को जब हम घर आ रहे थे तभी सुने थे दोनों भाइयों को बात करते हुए। नहीं भैया हम रमाकांत को छोड़ेंगे नहीं, देख रहे थे ना बहुत बड़का नेता बन रहा है। अरे काहे का नेता रे, 2 मिनट नहीं लगे पूरा परिवार गायब कर देंगे उसका। फिर मालूम चला कि कोमल और गुंजा गायब है। इसीलिए साहब हम यकीन से कह सकते हो दोनों भाई मिलकर किया है सब। योगिता जी क्या कोमल और गुंजा का महीना एक साथ आता था? क्या बात कर रहे हैं साहब? तहकीकात और सच को सामने लाने के लिए हमारा जानना बहुत जरूरी है। नहीं कोमल का महीना 10-12 दिन पहले हो चुका था और गुंजा का आने में कुछ दिन बाकी था। अगर माँ की बात को सही माने सर कि कोमल और गुंजा का महीना एक साथ नहीं चल रहा था। दोस्त कौन थे, कहाँ ना जाना था, सब कुछ सब हवलदार ब्रजेश और उसके भाई कन्हैया को बुलाओ। सब हाँ साहब जी, वो उस दिन मार्केट में हमारा झगड़ा तो हुआ था मकान के साथ और वो। और तुमने उसके परिवार को 2 मिनट में गायब करने की बात भी की थी। साहब हम कोई गुंडा बदमाश तो है नहीं जो किसी का परिवार 2 मिनट में गायब कर देंगे। मतलब तुम पे जो आरोप लग रहे हैं ये सब के सब बेबुनियाद हैं। हाँ साहब सब झूठ, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो बड़ी वाली है ना साहब, उसका तो अफेयर था किसी के साथ। साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है ना कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी। नहीं सर हम कोमल और गुंजा को तो जानते तक नहीं थे। तो फिर बार बार तेरा नाम क्यों आ रहा बीच में? सर ब्रजेश भैया के साथ उन लोगों की लड़ाई थी, हो सकता है उनके साथ वो लोग हमें ही फंसाना चाह रहे हों। सर हम तो विद्यार्थी हैं। ये कन्हैया और इसका बड़ा भाई हवलदार ब्रजेश, दोनों पे नजर रखो। सर आइए। सर सर इसी पेड़ से दोनों लड़कियां लटकी हुई थी, आइए ना। एक मिनट वर्मा। सर हाइट बहुत ज्यादा है, क्राइम सीन से ना तो कोई स्टूल मिला है ना ही कोई कुर्सी, इतनी हाइट पर जाकर फांसी का फंदा बनाना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। राइट सर, और गौर करने वाली बात ये भी है सर कि अगर इन दोनों को सुसाइड करना था तो यहीं पे आके सुसाइड क्यों किया? बात ही हाँ बोलो। सर गांव में पता किया, रमाकांत का रवैया अपने बेटियों के खिलाफ अच्छा नहीं था, उसे बेटे की बड़ी चाह थी और जब कोमल के बाद गुंजा पैदा हुई तो काफ़ी निराश था, बेटियों से सीधे मुँह बात भी नहीं करता था। हमें कोई बात बात नहीं करना है और ये ट्यूशन ट्यूशन में पैसा खर्चा करने के लिए नहीं है हमारे पास। स्कूल में पढ़ती हो ना तो पढ़ो वरना छोड़ दो, वैसे भी कोई खास उम्मीद नहीं है तुमसे। वैसे तो अभी तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि सुसाइड नहीं मर्डर है, पर ये भी तो हो सकता है कि सर यही पारिवारिक वजह हो दोनों के सुसाइड करने की। नहीं वर्मा ये सुसाइड तो नहीं लगता, आई एम श्योर ये मर्डर ही है। हाँ ये हो सकता है कि ब्रजेश और उसके छोटे भाई कन्हैया ने इस कांड को अंजाम दिया। ब्रजेश एक पुलिस वाला है, सबूत मिटाना उसके लिए मुश्किल तो रहा नहीं होगा।
कितने ही केसेस में उसने देखा होगा कि सबूत किस तरह। हमारा नाम हरी सिंह है साहब, ये दीवार के पीछे का सारा जमीन और इधर वाला पूरा जमीन वहां तक हमारा ही है साहब, और इस कुएं से हम लोग सिंचाई करते हैं। हरी सिंह जी, आप कोमल और गुंजा को जानते थे? हाँ, गांव के बच्चे हैं साहब, वो यहीं गोपाल मास्टर साहब के पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं साहब। अच्छा, जिस दिन दोनों लड़कियों की लाशें मिली थी उस दिन किसी और को देखा था यहाँ पर? नहीं साहब, हमने तो किसी को नहीं देखा। देखिए हाँ साहब, वो गोपाल मास्टर साहब ने सबसे पहले उन लाशों को देखा था। सर, गुंजा और कोमल दोनों अच्छी लड़कियाँ थीं। गुंजा तो पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और गणित में उसके जैसी तेज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल सही है गुंजा, कैलकुलेटर गलत हो सकता है लेकिन तुम नहीं। क्या क्लास में कोई ऐसा लड़का था जिसकी कोमल या गुंजा से अच्छी खासी दोस्ती हो? सर, ऐसा मेरे ध्यान में तो कोई भी नहीं है। हाँ, मैंने गुंजा को सर एक दो बार एक लड़के के साथ देखा। क्या वो लड़का कन्हैया था? नहीं सर, वो कन्हैया नहीं था, उसे तो मैं जानता हूँ, ये कोई और था और मुझे इसका नाम नहीं मालूम। मास्टर जी, कोमल और गुंजा की लाश सबसे पहले आपने देखी थी, तब टाइम क्या हुआ था? सर, सुबह के तकरीबन 5:30 बजे थे और मैं उस रात को अपने घर पे नहीं था, मैं अपने मामा के घर गया था। कोमल और गुंजा की लाश के पास आपने किसी और को भी देखा था? हो सकता है कोई यूं ही वहाँ से गुजर रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ी अजीब लगी हो। नहीं सर। हेलो। अरे फिक्र मत करो आप, देखो पूछताछ तो होगी ही, हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, समझे? चलो रखता हूँ मैं। कन्हैया। हाँ सर। तुम यहीं पढ़ते हो? हाँ। क्या इत्तेफाक है, कोमल की खास सहेली रानी भी यहीं पढ़ती है, जानते ही हो गए। सर, हमें नहीं पता कि कोमल का किस लड़की के साथ मिलना जुलना था। याद करने की कोशिश करो रानी। रानी, चल जल्दी। सर, हमें कुछ नहीं पता, वो भैया आ गए तो हमें जाना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे रानी कुछ छिपा रही है हमसे, और इस कन्हैया का भी इस केस से कुछ ना कुछ लेना देना तो है। हाँ विशाल। सर, गांव वालों ने बताया कि गुंजा को कई बार एक लड़के के साथ देखा गया था, लेकिन वो लड़का इस गांव का नहीं है। गोपाल मास्टर जी जिस लड़के के बारे में बता रहे थे, शायद ये लड़का वही हो। विशाल, एक काम करो, गुंजा के स्कूल जाओ, वहाँ से पता करो, शायद वहाँ से कोई जानकारी मिले। ओके सर। कोमल और गुंजा 10 मार्च की रात को 8:15 बजे घर से निकले और अगले दिन तक उनकी कोई खबर नहीं। फिर 12 मार्च की अर्ली मॉर्निंग इन दोनों लड़कियों की लाशें 10 मार्च की रात से लेकर 12 मार्च की सुबह तक, ये दोनों लड़कियां कहीं तो थीं। आइए सर। सर, ये वर्मा, ये जगह सील करो और फॉरेंसिक को बुलाओ। अगर कोमल और गुंजा यहां थे तो उनके साथ जो हुआ है वो किसी हवालियत से कम नहीं है। ये जो टायर के निशान है, ये किसी हैवी व्हीकल के हैं, SUV, ट्रक या टेम्पो। आसपास पता करो कि इस तरह की किसी बड़ी गाड़ी को देखा गया था क्या। ओके सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड दिखाया तो क्या हुआ, दोनों लड़कियों की लाशों को देखकर नहीं लगा तुम्हें कि उनका रेप और मर्डर हुआ है? हम तो वो क्या, वो किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, हवलदार ब्रजेश और उसके छोटे भाई कन्हैया को? नहीं सर, हम किसी को नहीं बचा रहे, हमने अपनी कार्रवाई पूरी ईमानदारी से की है सर। अब ये नया मोड़ कैसे आ गया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, अब घर जाकर शांति से समझना। सस्पेंड किया जाता है तुम्हें, आउट। ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट, हमें जो दांत मिला था वो गुंजा का ही। दोनों लड़कियों के साथ सिर्फ रेप ही नहीं किया गया है बल्कि उनको बुरी तरह से मारा गया है। मारने से पहले उनको बुरी तरह से तड़पाया गया है।
लेकिन आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो रेप का जिक्र है ना ही असॉल्ट का। वाय सर, वो हमारा पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, हमें कुछ समझ नहीं आया सर। बकवास मत करो, तुम सब के सब मिले हुए हो। आई विल रिपोर्ट अबाउट दिस। उन दोनों लड़कियों के साथ सिर्फ उन हैवानों ने ही जुल्म नहीं किया है बल्कि तुम सब भी शामिल हो इसमें। आउट आउट। हमें कोमल और गुंजा का दोबारा से पोस्टमार्टम करवाना होगा। बॉडीज को पटना भेज दो। सर, टीचर गोपाल ने गुंजा को जिस लड़के के साथ देखा था उसका पता चल गया। मोहित नाम है उसका, गुंजा के स्कूल का ही। जी सर, गुंजा को हम जानते थे, हमारी दोस्ती भी एक एक्सीडेंट ही थी। हम उससे दो क्लास सीनियर थे सर, फिर भी वो हमें मैथ्स पढ़ाती थी, बहुत होनहार थी। तू पसंद करता था गुंजा? जी सर, पर एज अ फ्रेंड। मेरे कहने का मतलब है हम उसे लाइक करते थे लेकिन दिल की बात कभी उसे बता नहीं पाए। तो 10 मार्च को जिस दिन गुंजा मिसिंग हुई, तुझे नहीं पता वो कहाँ गई थी? नहीं सर, हमें तो अगले दिन जब गांव में बात फैली तब भी पता चला। चल चल चल। सर, पटना से कोमल और गुंजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई। सर, रिपोर्ट्स में लिखा है कि दोनों लड़कियों की बॉडी पर इंजरी मार्क्स मिले लेकिन रेप का कोई साइन नहीं है और मौत का कारण सुसाइड ही था। What? ऐसा कैसे हो सकता है? कोमल गुंजा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। पुलिस प्रशासन, हाय हाय। मुजरिमों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। मुजरिमों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दूसरी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद IIA के इरादों को भी शक के नजर से देखा जा रहा है। क्या ये एजेंसी किसी के दबाव में काम कर रही है या फिर लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए दोबारा और निष्पक्ष जांच का ये पूरा ढोंग रचाया गया है? विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि लोगों के विरोध और मीडिया द्वारा उठाए गए सवालों के चलते इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने दोनों लड़कियों की बॉडीज को तीसरी ऑटोप्सी के लिए दिल्ली ले जाने का फैसला लिया है। क्या तीसरी ऑटोप्सी से जांच को कोई नई दिशा मिलेगी या ये केस भी पुलिस रिकॉर्ड में बंद पड़ी अनगिनत फाइलों की तरह धूल फांकती रह जाएगी? फरमा, इस केस में हमसे कुछ तो छूट रहा है, ये सुसाइड केस तो बिल्कुल नहीं है। विक्टिम की फैमिली का भी यही मानना है और मेरा भी। सर, हमने अभी तक जितने भी एंगल्स टटोले हैं हमें हर तरफ डेड एंड ही मिला है। जिस जगह पर उन लड़कियों को टॉर्चर किया गया था वहां वो टायर के मार्क्स किस गाड़ी के हैं ये भी अभी तक पता नहीं चला है हमें। वर्मा, एक काम करते हैं, इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉल रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, सबको दोबारा से अच्छे से स्कैन करते हैं, शायद ऐसा कुछ मिल जाए जो अब तक हमसे छूट रहा है। वर्मा, सर चाय मांगो यार। जी सर। पांडे, वर्मा ये इतना बड़ा क्लू हमसे कैसे छूट गया? कौन सा क्लू सर? मोबाइल फोन। सर, हम अपनी खोई हुई वर्दी की कसम खा के कह रहे हैं हमें क्राइम सीन से कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था, लेकिन हाँ, हम जब वहां पहुंचे उससे पहले बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे, हो सकता है उनमें से कोई। सर, कोमल के फोन की डिटेल्स आ गई हैं। पिछले 2 महीने में कोमल और कन्हैया के बीच में तकरीबन 400 कॉल्स में। सर, तो ये कन्हैया की रासलीला है, फिर तो कोमल का फोन भी कन्हैया के पास ही होगा। नहीं सर, दरअसल मुकुंदपुर में 2 मोबाइल टॉवर हैं, एक कन्हैया के एरिया में है और दूसरा इन दोनों लड़कियों के एरिया में। लेकिन सर, कोमल का फोन कन्हैया के एरिया में एक्टिव नहीं था। तो फिर कोमल का फोन कहाँ एक्टिव था? क्या हुआ साहब? अरे साहब, पूरा घर ध्यान मारो, कोई भी बना छूटना नहीं चाहिए। अरे क्या चेक करो। अरे क्या 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 कर रहे हैं आप लोग? अरे रुकिए साहब, ये क्या क्या कर रहे हैं साहब? ये कांच का टुकड़ा मिला है, लगता तो मोबाइल का ही है। उस तरफ वर्मा, सर बाहर चेक करो। सर, ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है। अब और कितनी एक्टिंग करनी रमाकांत, या फिर सच बोलना है? कैसा सच, क्या बोल रहे हैं ये? योगिता जी, ये क्या बताएगा? मैं बताता हूं,
कोमल कन्हैया से प्यार करती थी और ये बात आपके पति थे रमाकांत को पता चल गई, इसलिए कोमल और गुंजा दोनों को मार डाला इसने। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब, हम अपनी बेटियों को नहीं मार रहे हैं साहब। तो फिर कोमल का ये मोबाइल फोन क्यों छुपाया, क्यों झूठ बोलता रहा अब तक? ये मोबाइल कोमल की लाश के पास से मिला ना तुझे? हम जान गए थे साहब, हमारी कोमल कन्हैया छुप छुप के बातें करती है। ये फोन अगर किसी के हाथ में लग जाता तो साहब बातें बाहर आ जाती साहब। हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो चुका है साहब, हम नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उन पर कोई लांछन लगे, इसलिए हम ये फोन छुपा दिए थे साहब। लेकिन जब हमको पता चला कि आप लोग को भी पता चल गया है तो हम ये फोन का सब मैसेज डिलीट किया और एक फोन तोड़ के बाहर फेंक दिए थे साहब। रमाकांत, अब तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मानते हैं साहब, हम अपनी बेटियों के गुनहगार हैं साहब, बेटे के मुंह में हो गए थे साहब, इसलिए बेटी की काबिलियत को पहचान नहीं पाए। और आज जब वो नहीं है तब महसूस कर रहे कि हम कितने हम आगे हैं साहब। पर मैं समझ में नहीं आ रहा है इस रमाकांत पे कितना भरोसा किया जाए और कितना नहीं। काम करो, कन्हैया को उठा लो, उसी से होगा दूध का दूध पानी का पानी। सर, हेलो, क्या क्या हुआ वर्मा? दिल्ली से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। हाँ सर, हम कोमल को चाहते थे लेकिन 2 महीने पहले गुंजा ने हमको देख लिया था। सर, गुंजा की उसकी बहन के साथ अच्छी बनती थी इसलिए उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन फिर हमारा कोमल से झगड़ा हो गया और उसने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। फिर हमने कोमल की बेस्ट फ्रेंड रानी की मदद ली, उसे एक सॉरी कार्ड और एक फूल दिया कि वो कोमल को दे दे। सच्चाई अब मैं बताता हूँ तुझे, तू कोमल के पीछे पड़ा था, उसने घास नहीं डाली तुझे, तेरी ईगो को ठेस पहुंची, इसलिए तूने कोमल और गुंजा को किडनैप किया, उनका रेप किया और उसके बाद मार डाला, और इस सब में तेरे भाई कांस्टेबल ब्रजेश ने तेरा साथ दिया, यही सच्चाई है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है सर। हम कोमल को प्यार करते थे लेकिन जब उसकी लाश मिली तो हम एकदम डर गए थे। सर, कन्हैया को बहुत तोड़ा लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा, हो सकता है सर सच बोल रहा हूँ। तो क्या रमाकांत झूठ बोल रहा है? अगर रमाकांत उनको मरवाता तो कम से कम अपनी बेटी का रेप तो नहीं करता। तो फिर कोई ऐसा होगा जो ब्रजेश और रमाकांत के बीच झगड़े को अच्छी तरह से जानता है और उस झगड़े का फायदा उठा रहा है। प्रदीप, अब हम सच कह रहे हैं साहब, हमने ब्रजेश और कन्हैया को बात करते सुना था। ठीक है, मान लिया। अब ये बता, जब ये दोनों ये बात कर रहे थे कितनी दूर थे तेरे से? ज्यादा दूर नहीं थे साहब। हम ब्रजेश और कन्हैया के मोबाइल फोन की लोकेशन निकलवाएंगे, अगर उन दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन तेरे घर के आसपास निकली तो ठीक है, और अगर नहीं निकली तो फिर बैठा कर नहीं उल्टा लटका कर तेरे से सच निकलवाएंगे। साहब साहब, उस दिन दोपहर को साहब रमाकांत भैया और ब्रजेश का झगड़ा हुआ था साहब, तो कन्हैया जो है हमारे इलाके में घूमता रहता है हमेशा, हमको जब ये बात पता चला तो हमको लगा कि वही दोनों होंगे साहब। मतलब उन दोनों को तूने ये बात करते हुए नहीं सुना था? नहीं साहब। तू अपना बदला लेने के लिए ब्रजेश को इस केस में फंसा रहा था ना, क्योंकि वो तेरी दुकान हटवा रहा था। कितनी बार बोला है तुमको हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं, अभी इतने नहीं बुढ़ाए कि घर का काम ना कर सके। अरे माँ, तुम तो 80 साल की भी हो जाओगी ना, तब भी बुढ़ी नहीं होगी। माँ, ये दुपट्टा कैसा लग रहा है हम पे? सर, गोपाल मास्टर के मोबाइल की लोकेशन स्टडी की मैंने, 12 मार्च की रात को वो अपने मामा के घर पे था लेकिन रात को 1 बजे वो घर वापस लौट आया था। सर, हम रात को ही मामा के घर से जल्दी आ गए। तो पहले हमसे झूठ क्यों बोला था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू भी शामिल है इस कांड में? नहीं सर, सर हम बहुत डर गए थे सर। इतनी बड़ी बात पुलिस से क्यों छुपाई? सर हमने कहा ना सर, हम बहुत डर गए थे सर। सर हमने अपनी बीवी से पूछा, उसने कहा कि हमें इस पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। कल लौटे हमको नहीं मालूम, हमने नहीं देखा।
टेम्पो किस रंग का था वो? हरा हरा सफेद था सर। सुन सच कह, वो टेम्पो पहले भी आया। सर, इस लिस्ट में गांव के ऐसे 50 लोगों के नाम हैं जो अक्सर टेम्पो हायर करते हैं। उनमें से 4 या 5 लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर हरे और सफेद रंग का टेम्पो हायर करते हैं। इन सबको उठाना, बैकग्राउंड चेक करो इनकी और पता करो कि 10 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच ये कहाँ है। ओके सर। सर, सुमेरपुर गांव में कल रात को एक टेम्पो ने कार को टक्कर मार दी थी। कार में बैठे सभी लोगों की डेथ हो गई है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये वही टेम्पो है जिसकी हमें कोमल और गुंजा के केस में तलाश थी, और उस टेम्पो का ड्राइवर अभी लॉकअप में। हमारा नाम तो मनीष है। 10 से 12 मार्च के बीच में हमारा टेम्पो कहाँ था हमें नहीं मालूम है साहब, क्योंकि ये टेम्पो हमने 1 महीना पहले ही विजय से खरीदा है। नंबर दे विजय। जी सर। ये मनीष का बैकग्राउंड तो क्लीन है सर, लेकिन टेम्पो का ओरिजिनल मालिक विजय 10 और 12 मार्च की रात को समस्तीपुर के टीरी गांव में मौजूद था अपने 2 साथियों के साथ। ये देखिए सर, राहुल और सुनील। और उस घटना के कुछ दिनों के बाद इन तीनों ने ये गांव छोड़ दिया था। अभी इस वक्त तीनों के मोबाइल फोन कहाँ एक्टिव है? विजय का गुड़गांव में, राहुल का मुंबई में और सुनील का बेंगलोर में। लेकिन एक बात है सर, ये राहुल हरी का रिश्तेदार है, इस हरी को उठाकर पूछें। नहीं नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो ये तीनों अलर्ट हो सकते हैं। हम इन तीनों को एक साथ एक ही वक्त पर उठाएंगे। राइट सर। सब टारगेट कंफर्म हो गए, उठा लें? नहीं अभी नहीं, शार्प 6 बजे तीनों को एक साथ उठाओ ताकि किसी को भी बचने का मौका ना मिले। ओके सर। वर्मा, रोना तो अब तुम लोगों को जिंदगी भर है। चलो हो जाओ शुरू, बोलो क्यों क्या है सब? इस राहुल के सीडीआर में एक नंबर यहाँ का भी मिला है। यहाँ का? जी सर, इसी थाने से 10 मार्च को राहुल को कॉल किया गया था। किसने कॉल किया था? किसने कॉल किया था? सर, जिस रात को हम लोग टेम्पो लेकर जा रहे थे उस रात को दरोगा साहब ने हमें रोका था। जी हाँ सर, 10 मार्च की रात को हमने उन तीनों लड़कों का टेम्पो चेक किया था। हाजी साहब, ये हेडलाइट कैसे खराब है? साहब वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। बिगड़ गई? एक लाइट से गाड़ी नहीं चला सकते, पता है ना? कहाँ से आ रहे हो? ये पीछे वाली सड़क से आ रहे थे। एक्सीडेंट क्यों कहीं? नहीं नहीं साहब, कुछ भी नहीं किया। टेम्पो में पीछे क्या है? पीछे बोल के दिखाओ। ए साहब, साहब पीछे आओ। तुमने उन दोनों लड़कियों को उस टेम्पो में देखा था, फिर भी वो टेम्पो जाने दिए क्यों? क्यों? गुंजा को हम उसकी औकात दिखाना चाहते थे। हमारे भतीजे के पीछे पड़ी थी वो। तुम्हारा भतीजा? मोहित, भतीजा हमारा, वो उसको फंसा रही थी सर। औकात से बढ़कर सपने देख रही थी वो लड़की। उसके समाज के लोग हमारे घर के सामने से गुजरते नहीं है। और गुंजा? सर, दरोगा बाबू के साथ हमारी डील हो गई थी कि वो हमें छोड़ेंगे, बदले में हम उनको लड़कियां परोसेंगे। लेकिन हमने लड़कियों का रेप नहीं किया। सुन, इनके लोगों ने पूरा गांव से उठा रखा है। बेहतर होगा तुम लोग निकलो अभी के अभी, चलो। अरे लेकिन इन लड़कियों का क्या करें? उड़ने का शौक है ना इनको, हवा में लटकाते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो नहीं बतवाई थी ना? जी सर, पटना हॉस्पिटल में हमारा आदमी है, हमने उसी को बोल के रिपोर्ट्स बदलवाए। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तुम लोगों की उन दोनों लड़कियों से जो पहले उनका रेप किया और उसके बाद इतनी बेरहमी से मार डाला दोनों को? ये हट, पूरा पानी अशुद्ध कर दिया। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो आज इनको तबियत से सिखाते हैं। ए विजय, इनको पकड़ टेंपो में डाल।
एक लोटा पानी? अरे एक लोटा पानी तो तुम लोग कुल्ला करके फेंक देते हो। सिर्फ एक लोटा पानी के लिए तुमने दो लड़कियों का रेप किया, उन्हें इतनी बेरहमी बेदर्दी से मार डाला। इतना कुटो कि इनकी चीखे मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। बतौर पत्रकार हमारे सामने कई केसेस आते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनकी हकीकत निशब्द कर देती है। नेशनल क्राइम ब्यूरो में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के आंकड़े महज आपराधिक आंकड़े नहीं है, बल्कि हमारे देश में महिलाओं की परिस्थिति और महिलाओं के प्रति हमारी सामाजिक सोच की घिनौनी तस्वीर पेश करते हैं। और तो और, किसी खास तबके के लोगों के शोषण की मंशा से उनकी बहू बेटियों को यूं निशाना बनाना हमारे समाज की रूह में बसे उस वायरस को दर्शाता है जिसका इलाज किसी भी लैबोरेटरी में मिलना नामुमकिन है। इस वायरस की दवा हमारे भीतर है। जब तक हम हमारी मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक ये वायरस विकराल रूप लेता रहेगा। इस केस के सारे आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। गुंजा और कोमल के माता पिता को कानून यकीनन न्याय दिलवाएगा, लेकिन क्या कोई भी कानून उनके दुख को कम कर सकता है? जाति भेद, महिला उत्पीड़न और कानून व्यवस्था में मौजूद कमियां, ये केस समाज में फैली इन सारी स्थितियों को उजागर करता है। औरतों के खिलाफ हो रहे अपराध हमारे समाज पर लगा एक कलंक है। एक समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उस समाज में रहने वाली हर महिला को सम्मान और बराबरी का मौका मिले। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ए विद्या, चाट बनाओ, हमारे लिए पेट गर्म हो रहा है हमारा। इतनी चाट खाओगे तो यही होगा ना, खुद बना लो, मेरा सर दर्द हो रहा है। जब देखो झगड़ते रहते हो, देंगे क्या विनय? क्या हम मंडियों के आते हैं? अरे सुनिए, आलू लेते आइएगा, भूलिए। हाँ हाँ ठीक है। अरे लड़के तू कहाँ जा रहा है? दोस्त से मिल के आ रहा है। तेरे दोस्त की? चलो अम्मा, अब मम्मी चलते हैं। कहाँ चलती हूँ? अरे क्लास मिस हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, वैसे भी भैया बाबा है नहीं घर पे, तो झट से गई फट से आई। तो आप सबने अपना नाम लिखना और साइन करना सीखा? अरे साइन करना मतलब हस्ताक्षर। तो दिखाएं फिर सभी लोग। बढ़िया सीता जी। कमला भाभी, आज आपने फिर से होमवर्क नहीं किया। अरे ये तो बड़ी निकम्मी है। टीचर जी मैंने सब कुछ किया। दादी बहुत अच्छे, लेकिन आज आपने अपनी बहू को सीधा निकम्मा बोल दिया। मुझे पता है आपने इन्हें काम पे लगाया होगा, है ना? सही कहा बिंदिया, छुट्टी कहीं की। अरे अरे लड़ना बंद करो आप दोनों। कमला भाभी आज आप यहीं बैठकर अपना काम पूरा करेंगी, और दादी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है बिंदिया। चलिए तो बाकी लोग जितना अभी तक पढ़ाए हैं आप सभी लोग दोबारा से लिखेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है? मैं चलती हूँ। काकी कहीं भी नहीं है? वहां भी नहीं है? फिर कहां चली गई बिनिया? हजार बार समझाया तुझे, बिनिया को बाहर जाने मत दो, मत दो। खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है? जब सुनो से हम पे क्या चिल्ला रहे? गई होगी कहीं आवारा गर्दी करने? ए लगाए एक झापड़ भाई ने तुम्हारी, काय उल्टा सुल्टा पक रहे हो? अम्मा मुंह मत खुलवाओ हमारा, तुम्हें बिगाड़ी हो उसको, इसलिए ही दिन देखना पड़ रहा है। भौजी, भौजी, वो बिंदिया गांव के बाहर पड़ी है, हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, अरे वाह, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हमारी बिंदिया का बचा लीजिए, इसका हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, रुक, स्ट्रेचर लेकर जल्दी।
देखिए बच्ची की हालत बहुत खराब है, मैं इलाज शुरू करता हूँ, लेकिन ये पुलिस केस है, आप लोग पुलिस कन्फर्म कीजिए। ठीक है सर, आप इलाज कीजिए, जल्दी करो जल्दी। तुम लोग जल्दी रुको, हम थाने होके आते हैं। चलो बेटा चलो। बलात्कार? कैसे पता बलात्कार हुआ है? साहब हम औरत है, हम देख के बता सकते हैं कि गलत काम हुआ है हमारी बिनिया के साथ। अपनी मर्जी से किसी के साथ कर रही होगी, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, बहने लगा खून। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप, हमारी बिनिया ऐसी नहीं है। साहब ये आपका लिट्टी चोखा। साहू आज शुक्रवार है, माता जी का उपवास है, ये खिला के पाप करवाओगे क्या? लेके जाओ। साहब हम हाथ जोड़ते हैं साहब, रपट लिख लीजिए, कार्रवाई कीजिए साहब। देखने में तो ठीक ठाक ही है, चार छह लौंडा फंसाई होगी मजा मारने के लिए, गिफ्ट के लिए तुम धंधा करवाते थे। अरे नया जूता है भाई, खराब करिएगा क्या? ऐसा हूँ जी सर, जाके देखो क्या मामला है, और हाँ अगर जरूरत पड़े तो ही स्टेटमेंट लेना। जी सर, चलिए सर। आई लव यू सोन, हम भी तुमको वही वो लभु टू क्या रख लिया। बाय डॉक्टर साहब, हम आपके पाँव पड़ते हैं, हमारी बिनिया को बचा लीजिए। क्या पूरी कोशिश कर, एक बेटी के मजबूर और लाचार माता पिता का फोन आया, वो अपनी बेटी के लिए ना सिर्फ न्याय की गुहार कर रहे थे, अपनी बेटी के लिए सही इलाज। कितना बार बोले हैं कि जब हम पी रहे होते हैं तो हमारे आसपास मत आया करो। अरे हम न्यूज देख रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है आपको? बताएं क्या परेशानी है, बताएं क्या परेशानी हो रही है। इस साल की मासूम लड़की अपने घर से बाहर निकली अपने गांव के कुछ गरीब बच्चों को ट्यूशन देने, अपने ही गांव के खेत में उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। हालांकि बलात्कार की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, पर ये माना जा रहा है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। हम कुछ ही देर में दसिया गांव पहुंचेंगे। चलो भागते हैं साले लफंगे, आ जाते हैं साले। हमारी बिनिया इंटर कॉलेज के परीक्षा में पूरे जिला में अव्वल आई रही, तो सरकार उनको लैपटॉप इनाम में दे रही। बिटिया इतनी गांव के होनहार बच्चे है कि अपने लैपटॉप से सारे किसानों को कर्जा दिलाती है। मदन लाल जी आपका लोन अप्रूव हो गया है, आप चिंता न करें, पैसे कल ही आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। थैंक यू थैंक यू। अरे काका बिनिया, बिटिया तूने तो हमारा टेंशन ही खत्म कर दिया, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अरे काका कांग्रेचुलेशंस, अभी अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार एसआईटी की टीम दसिया गांव के लिए निकल चुकी है। जैन साहब, जैन साहब का स्वागत है साहब। आई जान, अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो स्वागत और सैल्यूट की जरूरत ही नहीं पड़ती। साहब आप ड्यूटी ही तो कर रहे हैं, अब बलात्कार का रिपोर्ट सिर्फ इसलिए तो नहीं ले सकते ना कि लड़की की माँ को लग रहा है कि बलात्कार हुआ, वो तो डॉक्टर बलात्कार का रिपोर्ट नहीं दे रहा है, लड़के बयान नहीं दे रही है, फिर भी 24 घंटे के हवलदार को तैनात किए हैं, अब इससे क्या करेंगे बताइए। हम लड़की को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा हॉस्पिटल है, लड़की की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, पेट में स्प्लीन ब्रेक हो गया है, खून जम गया है, हमने पेट के खून को साफ करने के लिए ऑपरेशन भी किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, लड़की के बचने के चांसेस बहुत कम है। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने डॉक्टर से बात की है, बिंदिया की हालत जैसी थोड़ी ठीक होगी उसे पटना के बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे, और हाँ आप लोगों की कंप्लेन हम अभी लिख रहे हैं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू करेंगे। अमिनी इन लोगों की कंप्लेन लिखो। जाइए। ये लोकल पुलिस के कारनामों की वजह से ये मामला बहुत बिगड़ चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द रिजल्ट देना होगा, मामला बहुत सेंसिटिव है, ध्यान से काम करना। सर 16 सितंबर को बिंदिया यहीं पर गाँव वालों को पड़ी मिली थी, ऐसा उसके माँ बाप और गाँव वालों का कहना है, लेकिन जब आप लोगों ने क्राइम सीन विजिट किया था तो एविडेंस तो इकट्ठे किए होंगे ना। सर चौहान साहब के हिसाब से तो कोई केस ही नहीं बनता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। Disgusting. क्राइम को इतने दिन हो चुके हैं, अगर कोई सबूत छूटा भी होगा तो अब तो मिलना मुश्किल है, और हो सकता है इतने दिनों बाद एक क्राइम सीन की शक्ल ही बदल गई हो। हाँ हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतना सा खून? सुमित जिस तरह से बिंदिया के साथ मारपीट की गई, कंफर्म है कि उसके साथ ये मारपीट या शायद रेप भी कहीं और हुआ है, उसे यहाँ लाकर सिर्फ डंप किया गया है जिससे सबूत मिट जाए,
हमें उस जगह का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा, वरना हो सकता है वहाँ से भी सारे सबूत मिटा दिए गए। उसे जिस तरह से इस केस ने मीडिया में हाइप ली है, पूरी तरह से मुमकिन है कि जिन्होंने भी ये किया है या तो फरार हो गए हो या फिर अंडरग्राउंड। जी कहिए। इनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा वगैरह था? अरे नहीं सर, उल्टा गांव में बड़ा नाम था इनका, गांव वाला लोग बड़ा इज्जत करता था, रात को भी पेशेंट आ जाना सर तो कभी मना नहीं करते थे। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? फैमिली में तो कोई है नहीं सर, शादी किए नहीं थे, अकेले रहते थे। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मोबाइल डिटेल्स भी निकालना सर। सुमित, इनके घर का चक्कर लगा के आते हैं। ठीक है सर। ये रहते कहाँ थे? ऐसा लग रहा है जैसे खून के निशान है। फॉरेंसिक टीम बुलाओ और ये एविडेंस कलेक्ट करो। जी सर। हो सकता है किसी पेशेंट को? नहीं भी हो सकता। राइट सर। सुमित सर, वो देखो सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज निकलवाओ। थोड़ा दूर है, शायद अपने काम की हो। राइट सर। तुम ये सब? हाँ, अरे सब्जी काट रहे, खाना बनाएंगे। अरे तो तुम्हारे हाथ में तो एक चोट लगी है कली, ताजा ताजा। अभी ये सब छोड़ो, ऐसे सब्जी नहीं काटोगी तुम तो। तब कैसे काटेंगे जी? देर हो रहा है हमको, तुम्हारे बाबू आने वाले हैं और तुम्हारे भाई से ना 2 मिनट भी भूख बर्दाश्त नहीं होता है। अरे सुनो तो सही, इधर बैठो, तुम्हारे लिए कच्चे लाए हैं, ये देखो। ईका लेके आई है? अरे ईको कहते हैं सब्जी कटर। तो कौन हो, अंग्रेजी मशीन है? और ये बहुत आसान है, तुम्हारा अचने से हाथ नहीं कटेगा। मेरा एक चोट नहीं बर्दाश्त कर पाती थी, तुम्हारा इतना सारा चोट कैसे बर्दाश्त करे बेटा? सर, हाँ, डॉक्टर अहमद के घर के सामने जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज मिल गई। दिखाओ। ये देखिए सर, डॉक्टर अहमद के बॉडी मिलने के करीब 1 घंटे पहले, मतलब दोपहर 3:30 बजे तो अपने घर से निकलते हुए नजर आ रहे। कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, सब नॉर्मल है। सर हमने इसके पहले की भी फुटेज चेक की तो 16 तारीख जिस दिन बिंदिया के साथ हादसा हुआ था उस दिन की फुटेज देखी। सर किसी का भी चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा। लड़की को देखो और इसके कपड़े, लगता बिंदिया ही है। क्यों? क्योंकि बिंदिया की माँ ने बताया था कि हादसे वाले रोज बिंदिया इसी टाइप के कपड़े पहने थे। जी सर। हाँ, ये दोनों लड़के ये कौन है? हेलो। अच्छा ठीक है, हम पहुँचते हैं, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, बिंदिया को होश आ गया। फिर बेहोश हो गई। देखिए मुझे लगता नहीं कि आपको इज्जत बता पाएंगे क्योंकि फिजिकल इंजरीज के साथ मेंटल ट्रॉमा भी है। अब ये बिंदिया के माँ बाप की कंप्लेंट तो हमने ले ली है पर अभी भी यकीन से नहीं कह सकते कि उसके साथ रेप हुआ था या नहीं। सर बिंदिया ने उस दिन जो कपड़े पहने थे उसका एक टुकड़ा मिसिंग है, अब तक नहीं मिला है। बाकी के कपड़ों को फोरेंसिक के लिए भेज दिया। गुड। मोबाइल डिटेल्स का क्या हुआ? सर वो चेक किए, कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है और मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो गांव से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कभी गई नहीं। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हादसे वाले दिन वो दोनों लड़के बिंदिया को डॉक्टर अहमद के पास ही लेकर आए थे। किस लिए लाए होंगे, क्या हुआ होगा? और फिर देखो 5 मिनट बाद ही वो दोनों लड़के बिंदिया को लेकर उसी ऑटो में वापस भी चले गए और ले जाने के काफ़ी देर बाद बिंदिया उस हालत में मिली, क्या हुआ होगा? सर ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर अहमद को इसलिए मारा हो क्योंकि वो जानते थे कि बिंदिया के साथ उस दिन क्या हुआ। कातिल को ये डर हो कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसे डॉक्टर अहमद को मार दिया हो। बिल्कुल हो सकता है, कातिल को तो हमेशा ही ये डर होता है। लेकिन इस केस में आगे बढ़ने के लिए उन दोनों लड़कों और ऑटो ड्राइवर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है।
लेकिन उन्हें पकड़े कैसे? सुमित, एक तरीका है उन दोनों लड़कों तक पहुंचने का, वो डॉक्टर अहमद के घर के बाहर वाली सीसीटीवी फुटेज है ना, वो निकालो। सर। दिख ही नहीं रहा है कुछ। सर, नंबर प्लेट बहुत धुंधला है, कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा, सब पिक्सलेट हो गया। वही ना, एक तरीका है, शायद काम कर जाए। इस फुटेज को ना एक्सपर्ट के पास भिजवाओ, उससे बोलो कि इसका रेजोल्यूशन बढ़ाए, शायद ये ऑटो का नंबर दिख जाए। सर सर, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। सर, बिंदिया के परिवार में पहले से कुछ टेंशन चल रही थी। उसके भाई विशेषर ने उसके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार मारपीट की है। अब ऐसा कोनो बात नहीं है, जो आपको बोला है वो गलत बोला है। तो सही तू बता दे, तूने बिंदिया को क्यों मारा? वो भी एक बार नहीं, कई बार। अब हम कई बार नोटिस पे लिए थे। उस सड़क पे लड़का लोग के साथ में खींची करके दांत चिड़िया के बात करती थी, इसलिए उसकी भलाई के लिए उसको दो चार चापड़ मार दिए थे। अच्छा, उसकी भलाई के लिए उसे मारा? ये हमारा गांव है, आपका शहर नहीं है कि सब लड़का लड़की बेशर्मी की हद पार कर दे। गांव का अपना कुछ मर्यादा होता है, सब लड़की को इसका ध्यान रखना चाहिए। कहीं आपके गुस्से और सबक सिखाने का नतीजा तो नहीं है कि बिंदिया की ये हालत है? भगवान का भय रखिए साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप, बाप हैं उसके। और तुझे क्या लगता है कि मर्यादा में रहने का सारा ठेका सिर्फ लड़कियों ने लिया हुआ है? हेलो, जब तूने उसे दो चार थप्पड़ मारे और उसे बात समझ में नहीं आई तो तूने उसे बड़ा सबक सिखाने की सोची? साहब, हम झापड़ मारे सो बता दिए और कुछ नहीं किए। और ये बात भी सच है, हमारी बहन के साथ में जो ये हाल किया उसका तो कुछ खोज खबर मिल नहीं रहा है, उल्टा हम ही पे सारा कार्रवाई चल रहा है आपका। सर, ऑटो के नंबर से ड्राइवर का पता चल गया, उसकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई। ये ऑटो तेरा? जी जी साहब, ये ऑटो हमारी है। 16 सितंबर को तेरे ऑटो में दो लड़के एक लड़की को लेकर डॉक्टर अहमद के यहाँ गए थे, गए थे या नहीं? हाँ साहब, गए थे। वो पूरा किस्सा बता। साहब, वो दिन ना गांव के पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे तो दो लड़का हमारा रिक्शा रुकवाए, एक और लड़की था साहब, उसको हमारे रिक्शा में बिठाए के बोले कि डॉक्टर अहमद के यहाँ घर पे ले चलो। हम साहब उनको वहाँ ले गए थे, थोड़ा टाइम के बाद फिर वो बाहर आए तो बोले कि जहाँ से उठाए वो गांव के पीछे वाला रास्ता वहीं हमें छोड़ दो। साहब, हम उनको वहाँ छोड़ के आगे बढ़ गए थे, बाकी अम्मा कसम साहब हमें। अरे अपनी राम कहानी बंद करना। लड़की की हालत कैसी थी? वो लड़की का हालत ठीक नहीं था साहब, जैसा बेहोश रहता ना साहब वैसा था वो लड़की। उन दोनों लोगों को जानता है? नहीं साहब, हम नहीं जानते उन्हें। अरे देखेगा तो पहचानेगा। जी जी साहब, पहचान लूंगा। सुमित, क्या चार्ट सुन लो। देखो तो, ये लड़का लोगों को पहचानते हो? हाँ साहब, खूब पहचानते हैं। ये दोनों लफंगा दिन भर यहाँ घूमते रहते हैं, उस दिन हमारे घर में झांक रहे थे। अच्छा, कहाँ मिलेंगे दोनों? साहब, वो गली के आगे आखिरी मकान के सामने, और दिन भर सारे खटिया तोड़ते रहते हैं वहीं पे। ठीक है साहब, हमारा नाम सुभाष झा और ये मोती शुक्ला। क्यों, इसके मुंह में जबान नहीं है या कहीं का नवाब है जो अपना नाम नहीं बता सकता? साहब, हम बोलने ही वाले थे, उससे पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो अब बता, तू ही बता, बिंदिया यादव को कैसे जानते हो तुम दोनों? साहब, पर्सनली तो नहीं जानते साहब, लेकिन उस दिन हम गांव के पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे हम दोनों को। हाँ साला, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है बे। हाँ भाई, आराम करते, चल 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 चल। कुछ आवाज आ रही है रे, इधर से आ रही है रे। देख, नहीं, बिना फैमिली की इजाजत के मैं इलाज नहीं कर सकता। चल सुभाष, सब झोला छाप डॉक्टर है यहाँ पे। पहले लगा डॉक्टर चंपक आदमी है, फिर बाद में समझ में आया सही तो कह रहा है, जान ना पहचान हम टांग अड़ा रहे उसमें। तो हमने उस लड़की को उठाया और वही छोड़ाया जहाँ से उठाए थे। अब बाद में मैं टीवी पे देखा तो पता चला कि बहुत बड़ा बवाल कटा है, तो हम दोनों डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे ताकि फंस ना जाए। हमें नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कांड हुआ है साहब। कांड हुआ या तुम लोगों ने किया है पहले उस लड़की की इतनी बुरी हालत की? बोले थे ना तुमको और बनो मसीहा, खुद तो फंसे, हमको भी फंसवा गए तुम। हम तो बस उस लड़की की मदद कर रहे थे, हमने कुछ नहीं किया।
दामिनी सर, दोनों का डीएनए टेस्ट कराओ। चलो। जब तक केस सॉल्व नहीं होता गांव छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है सर। सर ये दोनों साधु है या शैतान कहना मुश्किल है। सुमित इन दोनों पर नजर रखवाओ, रहता उस एरिया में पूछताछ करो, पूछ सकता है कोई एविडेंस कोई क्लू मिले। सर पुलिस को अब तक गांव वालों से कोई क्लू नहीं मिला था। मोती और सुभाष का दावा था कि वो बिंदिया को बचाना चाहते, पर इस सब में डॉक्टर की मौत एक बहुत बड़ी गुत्थी थी, शायद जिसको सुलझाने के बाद ही बिंदिया के कातिलों तक पहुंचा जा सकता था। सर सुभाष और मोती ने बिंदिया को जिस एरिया से रिक्शा में बिठाया था सर, वहां पे जाके चेक किया, काफी सुनसान एरिया है, किसी ने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। मतलब ये सुभाष और मोती जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ कन्फर्म नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक है, दोनों पे नजर बनाए रखो। सर और हाँ, ये बसे सर, इसका अपनी बहन बिंदिया का लड़कों से बातचीत करना मिलना जुलना पसंद नहीं था ना, छुपा तो नहीं रहा ये हमला, कहीं कुछ और तो नहीं? और क्या होगा साहब, हमको बिंदिया से एक के प्रॉब्लम था, गांव का लोफर टाइप का लड़का लोग के साथ में हस्ती भूलती है, बाकी तो खाना बनाना अम्मा के साथ हाथ बटाना सब कुछ करती थी वो। मतलब कोई और ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें लगता है कि हमें पता होनी चाहिए? नहीं। खाना बना के रख दी, आप दोनों लोग का खा लीजिएगा, अस्पताल जा रहा है बिंदिया के पास। तुमका इतना हेकड़ी दिखा रहे हो जी, साहब से कायदे से बात करो, ये अपने लिए नहीं तुम्हारे बहन को न्याय दिलाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पता है तो बता दो। साहब वो हम एक बार सुने थे कि केवल बिंदिया पे कमेंट बाजी करता है, उसको आते जाते छेड़ता है। कौन केवल? साहब संजय ठाकुर का बेटा है, वो दोनों बाप बेटा पूरे गांव को अपना जागीर समझते हैं, बहुत बाहुबली बन के घूमते रहते हैं दोनों। वही ना, पहले कहीं नहीं बताई सब बात। कैसे बताते, हम बिंदिया से पूछे थे वो कन्फर्म करती तब ना बताते। बोलो बेटा। केवल ठाकुर ही था ना वो जिसने तुम्हारे साथ ये किया? सर ये हाथ के इशारे से क्या बताने की कोशिश कर रही थी, कि वो सब केवल ठाकुर ने किया या कोई और बात? हो सकता है कि ये केवल ठाकुर ने ही किया हो सर। सर दोनों बाप बेटा एकदम जानवर है, फालतू का दबंग बना फिरता है गांव में। एक टाइम पे उसका बाप ही संजय ठाकुर के ऊपर ना दो दो रेप का केस रजिस्टर था सर। क्या केवल का नाम सुनकर बिंदिया का उंगलियों से इशारा करना महज एक इत्तेफाक था, या बिंदिया इसी तरह अपना केस दर्ज कराना चाहती थी? क्या वाकई केवल इस कांड में शामिल है? क्या बिंदिया केस में लोकल पुलिस को यह पहले से मालूम था कि केवल और उसका बाप संजय ठाकुर इस मामले में शामिल है और इसीलिए उन्होंने केस दर्ज नहीं किया? या इस पूरे केस की जड़ में जात पात की गंदी सोच है जिसके सूत्रधार सुभाष झा और मोती शुक्ला है? क्योंकि जो लड़के घायल बिंदिया को इलाज के लिए डॉक्टर अहमद के पास ले जा रहे थे उन्होंने उसे मरने के लिए खेत में क्यों छोड़ दिया? उन्होंने सरकारी अस्पताल या फिर पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? या फिर बिंदिया के कत्ल के पीछे उसके भाई की वो दकयानी सी सोच तो नहीं है कि बिंदिया का कैरेक्टर ठीक नहीं था? अरे साहब आप हमको फिजूल में उठा लाए हैं, हम क्या किए हैं? वो तो तू बताएगा ना क्या किया है तूने, और तू आते जाते बिंदिया को छेड़ता था ना? क्या कभी नहीं साहब, और हम कहां छेड़ेंगे बिंदिया को, कोना हूर की परी है का? हम लड़की के पीछे नहीं जाते हैं, लड़की चुंबक की तरह हमारे पीछे आती है, हम सब समझ रहे हैं। आप जो हमको ये फंसाने का कोशिश कर रहे हैं ना, अरे उस दिन हम गांव में थे ही नहीं, अपने दोस्त से मिलने पटना गए थे और शाम को 7 बजे दसिया लौटे। इस केस से हमारा कोई लेन देन नहीं है, पहले बता रहे हैं आपको। ठीक है, दोस्त का नाम फोन नंबर और एड्रेस बता। हाँ तो बता देते उसमें क्या है। हाँ लेकिन एक बात और कह देते हैं, इतना सख्ती उस पर दिखाइए जो ये किया है, हमारे ऊपर फालतू का समय बर्बाद मत कीजिए। चलो गांव का चिरकुट लोग आपका कान भर दिया, आप हमको उठा लाए यहाँ पर। ठीक है तो हमारा टाइम बचा, अब बता किसने किया होगा ये सब? अरे कोई एक हो तो बताएं, बहुत सारे संदिग्ध हैं। एक तो वो बिंदिया का भाई बसेसर है, जितना सीधा दिखता है ना उतना है नहीं, हम तो सुने थे कि अपनी बहन के साथ भी कुछ गलत काम किया है वो। और दूसरा हमारा बाप संजय ठाकुर। क्या तेरा बाप? हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, पहले से उसके ऊपर बलात्कार का केस चल रहा है। अम्मा के जाने के बाद बापू शरीर का गर्मी झेल नहीं पाया और कपड़ा पहनी हुई लड़की का भी आंख से एक्सरे निकाल लेता है सर, लाड टपकता है कि पूरा मन घिन आ जाए। सिंह सर इसके सारे डिटेल लो। सर चलो। समय ये तो अपने बाप को ही फंसा रहा है,
अरे अरे भाई, अरे भाई मुझे मत मारो भाई, भाई भाई मुझे मत, भाई भाई मुझे मत मारो भाई। दीपू उस दिन हमसे सिगरेट लिया था साहब, तब देखे थे उसके शर्ट पर लाल निशान लगे थे, पूछा तो बोला कि पेंट गिरा है। निशान गीला था? हाँ साहब, जैसे अभी अभी गिरा हो। पर एक बात बोले सर, वो हमको पेंट नहीं लगा, वो पेंट कैसा रहता है दूर से महकता है, और साहब ना तो उसमें खुशबू थी और ना ही बदबू। बिंदिया जहाँ मिली थी वो जगह यहाँ पास में है, मतलब क्राइम भी यहीं कहीं आसपास ही हुआ है। सर छोड़ निकल, आसपास जितने भी खाली घर या दुकान है सब जगह चेक करो। अरे साहब, यहाँ तो सब घरों में लोग रहते ही हैं, बस एक ठाकुर साहब का घर है जो खाली रहता है। संजय ठाकुर? हाँ। सुमित तोड़ दो। सर ये तो बिंदिया के कुर्ते का कपड़ा है जो फट गया था। सर ये नाखून का टुकड़ा है और कुछ बाल, लगता है बिंदिया का रेप यहीं हुआ है। हेलो, क्या हुआ? हॉस्पिटल में बिंदिया की डेथ हो गई। ये वही गुस्साई लोग हैं जो बिंदिया के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, उसके माँ बाप को सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी जो पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, आज लड़ाई हार गई है। माँ बाप के रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी लोकल पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की और केस को SIT को सौंप दिया, लेकिन SIT ने भी इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई। अब सवाल ये, संजय ठाकुर के खाली घर में जो कपड़े का टुकड़ा मिला था, वो दिन जब बिंदिया ट्यूशन पढ़ा कर लौट रही थी ना, तो मुझे रास्ते में धर लिए थे। तुम्हारी वो सावधानी कोई काम नहीं आई, बिंदिया की सलवार पर तुम दोनों का सिमन मिला है। वही तो गलती हो गई साहब, हम साफ वाफ करने लग गए थे, लेकिन ईमानदारी से बता रहे साहब, हमें उसे मारने का कोई इरादा नहीं था साहब, लेकिन कहा करते साहब, वो काबू में ही नहीं आ रही थी तो मारना पड़ा साहब। मारना पड़ा तुम्हें? संजय ठाकुर के खाली घर पर तो ताला लगा हुआ था, फिर भी इतने आराम से अंदर कैसे गए? साहब वो घर का मालिक खुद मंजूरी दिया था साहब। मालिक मतलब केवल ठाकुर? नहीं साहब, वो लंबड़ को कौन पूछते साहब, सब उसका बाप संजय ठाकुर। उस दिन जब हम बिंदिया के साथ जबरदस्ती कर रहे थे ना साहब, तो वो वहीं खड़ा था साहब। और आ गए आप लोग, ये बवाल से हमारा क्या लेना देना बताइए आप? मोती और सुभाष ने तुम्हारा नाम लिया है। तो क्या? अरे वो लंपट दोनों किसी का भी नाम ले लेगा, कल को उठ के इनका नाम लेगा, के रेपिस्ट का तो मान लेंगे आप? सुमित चलो नहीं मान रहे, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे उस ताला लगे हुए खाली घर में वो दोनों इतने आराम से घुस कैसे पाए? ये तो उनसे पूछना चाहिए था ना आपको। अरे पूरे गांव में चोरी चकारी करता है वो दोनों, हमारा चाबी भी उठा लिया होगा, क्या हो गया? अच्छा सुना है तुम्हारे ऊपर दो रेप केस भी थे? दोनों में बेइज्जत परी हुए थे, नहीं सुने आप? आप लोग शहर से आए हैं ना, तो आपको गांव का कोई ज्ञान तो है नहीं। यहाँ पे जाति बिरादरी अमीरी गरीबी का बड़ा खेला चलता है, अपने से रईस को और ऊंची बिरादरी को नीचे गिराने के लिए बड़ा बड़ा षड्यंत्र रखता है लोग, लेकिन क्या है ना, झूठ का पांव होता नहीं तो ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। समझ में आ रहा है कि फिर से समझाएं? इस संजय ठाकुर की अकड़ तो मुझे भी ढीली करनी है,
पर उसे अरेस्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है मेरे पास। सर गुडाउन में जो नाखून और बाल मिले थे उसका डीएनए संजय ठाकुर के डीएनए के साथ 50% मैच हुआ। इसका मतलब केवल ठाकुर के साथ 100% मैच। अरे अरे कोनो काम नहीं आप लोग, जब देखो तब उठा लाते हैं। हम बता दे रहे मीडिया में जाएंगे हम और ऐसा बैंड बजाएंगे कि नौकरी से हाथ धोगा। धोगा पुलिसिया, अरे हिम्मत कैसे हुआ मेरा बेटा पे हाथ उठाने का? ए वहीं खड़ा रहे और आवाज दीजिए। तो इतना तोड़ूंगा ना तुझे। बता तुम्हारे उस खाली घर से तेरा वो बाल और टूटा नाखून मिला था? अरे तो इसमें कौन सा तीर मार लिए आप? हमारा घर है, मिल सकता है। हम कुछ दिन पहले अपने सामान की मरम्मत कराने गए थे, तब हमारा ये नाखून टूटकर वहां पर गिर गया था। और बाल का क्या है, जितनी सभ्यता से ये पेश आए हैं ना, 8-10 बाल तो यहीं गिर गए होंगे। तो उसके खिलाफ भी कोई जुर्म मार दीजिए हमारे लिए। तेरे खिलाफ इतना सब कुछ मिला है उस घर में तो तुझ पे शक ना करें। तो तू किस बिना पे बोल रहा था कि तेरे बाप ने बिंदिया का रेप किया हो सकता है? अरे खाली बाप कहाँ बोल रहे हैं, हम तो बसेसर का भी नाम लिए थे और इतना बोले थे कि बस बढ़िया से छानबीन कीजिए। देखा, तेरा बेटा तुझे ही फांसी पे चढ़ाना चाहता है। वो हमारा घर का मैटर है, वो हम देख लेंगे। अभी खाली इतना बताओ कि तुम्हारा हो गया हो तो हम लोग जाएं। पहले उंगली नीचे कर, नीचे कर, देख लो। चल देखता हूँ तेरे को मैं। नंगा करो दोनों को और तब तक मारो जब तक पूरी बॉडी पे निशान ना आ जाए। बोलते हैं गांव के लोग सीधे होते हैं, दिमाग घुमा के रख दिया है। तोड़ दे रहो दोनों को। बता करो, बता। वो संजय ठाकुर नहीं साहब, केवल ठाकुर के कहने पर किए हम सब। उस दिन जब डॉक्टर अहमद के घर से बिंदिया को लौटा लाए तब केवल ठाकुर ने गांव के कंपाउंडर दीपू को फोन करके घर बुला ला। होश में क्यों लाना चाहते थे? वो केवल ठाकुर को वो बिंदिया का चीख सुनने में मजा आ रहा था साहब। संजय ठाकुर का नाम क्यों लिया था? साहब वो केवल बोला था साहब बोला था अगर पुलिस हम तक पहुंच जाए तो उसके बाप का नाम ले ले और बाकी जिंदगी भर वो हमें हमारा घर चौटा था साहब, ऐसा बोला था साहब। डॉक्टर अहमद और दीपू को क्यों मारा? साहब वो डॉक्टर अहमद ने वो बिंदिया को टीवी में देख लिया था, वो पुलिस में जाने की कोशिश कर रहा था साहब। साहब उनको फोन करके हमने एक सुनसान जगह पर बुलाया और बोला कि एक महिला बेहोश है। जी कहिए। साहब दीपू भी बहुत खौफ खा गया था साहब, सब वो डर के मारे घर छोड़ के सब कहीं और छुपा हुआ था साहब। और जो वो सिपाही आपने हमारे पीछे लगा रखा था हम पे नजर रखने के लिए साहब, उसे नजर बचा के हम एक दिन दीपू के पास पहुंचे और फिर अरे भाई मुझे मत मारो साहब, वो केवल हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया साहब। साहब उसके चक्कर में हम दो मर्डर किए साहब, इंडिया की जिंदगी खराब कर दी साहब। आप लोग का गलती नहीं है सर, आप लोग तो शहर से आए हैं, गाँव का तो कुछ आइडिया है नहीं आप लोगों को। शहर हो या गाँव, जानवर जानवर होता है, जैसे कि तू एक जानवर है। हम जन्म से जानवर नहीं थे सर, इसलिए बाप हमारा हमको ऐसा बनाया है। चप्पल फेंक के मारता था, कभी सीधे वो बात नहीं करता था हमसे। अरे कितना बार तो हम सोचा कि इस बुढ़ऊ को हम ही टपका देते हैं। जब भी उसको मारने का सोचते ना उसका जल्लाद वाला शक्ल मेरे सामने आता था और उस चक्कर में हमारी पैंट गीली हो जाया करती थी। तभी एक दिन बसेसर हमारे पास आया, उसको कुछ पैसा चाहिए था। पैसा तो हम दे देंगे पर क्या गारंटी है कि लौटाओगे? और ये सब मदद के बदले में हमको क्या मिलेगा? तुमको हमारी बहन बिंदिया पसंद है ना, हम तुमको उसका पूरा दिनचर्या बता देंगे, जो करना है करो, बदले में हमको पैसा दे दो। ठीक, तभी चमका हमको कि बिंदिया की मेहरबानी से हम अपने जल्लाद बाप से छुटकारा पा सकते हैं, इसीलिए तो हम अपने खाली वाले घर में सुभाष और मोती से बिंदिया का रेप करवाए ताकि अपने जल्लाद बाप को फंसा सके। अरे हम तो बिंदिया को छुए तक भी नहीं थे, बस दूर से मजा ले रहे थे। और अपने पटना वाले दोस्त को भी बोल दिए थे कि पुलिस अगर कुछ पूछेगी तो बोल देना कि हम तुम्हारे साथ में थे, अपना मोबाइल उसके पास भिजवाएं कि ताकि लोकेशन वहां का दिखाई दे। लेकिन आप लोगों ने तो पूरा प्लान पे पानी फेर दिया हमारे। अरे बुलाओ उसको। आपका क्या कहने ठाकुर साहब, क्या मिलेगा? अरे सब पुलिस वाले हमारे ये हमारे पूज्य पिताजी की मधुर वाणी है, वो हमको रत्ती भर भी नहीं चाहते हैं। लेकिन गांव में भौकाल तो टाइट रहना चाहिए ना। अब देखिएगा हमको ज्यादा देर वो यहाँ पे टिकने नहीं देंगे और आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। देख ली साहब, आप अभी हम पे ही शक कर रहे हैं। अरे गांव के बड़े लोग हैं, बड़े से बड़ा वकील कर लेंगे, पेशी से पहले जमानत भी ले लेंगे। आप और हम जैसे चाह के भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए हो गया था बवाल, संभालना तो हमको ही पड़ेगा।
तो चौहान जैसे लोग पुलिस में भर्ती किस लिए होते हैं? ये रसूखदार लोगों के तलवे चाटने के लिए और रिश्वत खोर के लिए। बस सर, ये केवल छुपना नहीं चाहिए, वरना बिंदिया को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। कोर्ट में ये अपने बयान से मुकर जाएगा और केस हमेशा के लिए लटक जाएगा। सर हमें कुछ तो करना होगा। कमीने, शर्म नहीं आती? भाई होकर अपनी बहन के साथ क्यों किया ये सब? उसका लैपटॉप तक बेच दिया? साहब वो थोड़ा पैसे का जरूरत था साहब। पैसे का जरूरत था? बोले थे ना ज्यादा देर रोक नहीं पाओगे, चलिए चलते हैं। साहब हम सरेंडर कर रहे हैं, हमने मर्डर किया है केवल ठाकुर का। उसका बाप संजय ठाकुर हमारा बहन का रेप किया और भाग गया सर। जानवर लोग हैं ये लोग। आज उसका बेटा ने एक लड़की का रेप किया और मर गई। सांप का जात है सर ये लोग, सांप का जात है। इनको खाली फन उठाना और काटना आता है, इसलिए मार दिए हम उसको। कांस्टेबल साहू सिर्फ ठाकुर के कत्ल में गिरफ्तार हुआ। कानून का एक रक्षक कानून अपने हाथ में ले इसके क्या मायने? क्या कानून पर से उसका भरोसा उठ चुका था? अगर ऐसा है तो फिर मामला और भी गंभीर है। देश में रेप के लगातार बढ़ते मामले सिस्टम और समाज पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, और साथ ही ये आगाह कर रहा है कि अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आखिर देश की माँ बेटियाँ और बहनें कब तक इंसाफ के लिए गिड़गिड़ाती रहेंगी? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।